अस्सलामुअलैकुम गाइस, आज मैं बना रही हूँ मज़ेदार चपली कबाब दक्कन के, हैदराबादी दक्कन के चपली कबाब, और ज़्यादातर पेशावर में ही बनाए जाते हैं। आधा किलो प्याज है और तकरीबन सात आठ हरी मिर्चें हैं, इसको भी बारीक चॉप कर लेंगे। और ये प्याज पीस के ग्लेंडर में आप पीसें प्याज को बारीक। और गाइस, ये साबुत धनिया है 5 चम्मचे, और ज़ीरा है 2 चम्मचे, काली मिर्चे है 2 चम्मचे। इनको हम थोड़ा सा रोस्ट करेंगे, फिर पीस के कीमे में डालने। गाइस, ये जो अभी मैंने मसाला आपको दिखाया था, साबुत काली मिर्चे ज़ीरा धनिया, इसको भून के पीस लिया। और ये हल्दी है 1 चम्मच, और ये कुटी हुई मिर्च और पिसी हुई मिर्चे हैं 2 चम्मचे, सही है। और ये पिसा हुआ धनिया है तकरीबन 2 चम्मचे, नमक है 1.5 चम्मच, और गरम मसाला 1/2 चम्मच। ये 2 किलो ऊँट के चपली कबाब के मसाले हैं जो मैं उसमें मिक्स करूँगी, फिर आपको दिखाऊँगी। ये पिसी हुए साबुत है ना हरी मिर्च है, तकरीबन 7-8 मिर्चें हैं, उसको ग्लेंडर में मैंने चॉप कर लिया। टमाटर है 5-6, उनको भी चॉप कर लिया। प्याज है 1/2 किलो, उसको भी चॉप कर लिया मैंने। ये चपली कबाब के सामान है, इसमें चपली कबाब मिक्स करेंगे। वॉश कर लिए हैं मैंने, और ये 2 किलो कीमा है पिसा हुआ, तो इसको हम मिक्स करेंगे। ये मसाले इसके अंदर हम मिक्स कर देंगे, फिर आपको मैं फ्राई करके दिखाऊंगी। जब मैं फ्राई करूंगी तो आपको दिखाऊंगी, सही है। इसमें एक अंडा डाला है, और हरा धनिया और पुदीना डाला है चॉप करके, और तकरीबन 6-7 चम्मचे हमने कई 7 चम्मचे मकई का आटा डाला है इसमें मैंने, और गेहूं के आटे के तकरीबन 4 चम्मचे डाले, सही है। इसको मिक्स कर लेंगे। अब हम ये मिक्स कर लिया है सारे मसालों को, इसके बाद हम इसको फ्राई करेंगे, फिर मैं आपको दिखाती हूँ फ्राई करते हुए। फ्राई करने के लिए चपली कबाब मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं, अभी और फ्राई मैं करूँगी, फिर आपको दिखाऊँगी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम गाइस, ये हमारे चपली कबाब रेडी हैं।